हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इंस्टेंट कंडेंस्ड मिल्क घर पे कैसे बनाएंगे वो मैं बता रही हूँ। मैं निशा, और ये कंडेंस्ड मिल्क बहुत अच्छा मिल्क मेड के जैसा ही बनता है और आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है और बहुत अच्छा बनता है, एक बार आप ट्राई ज़रूर करेंगे। इसके लिए हम लेंगे हाफ कप, हाफ स्पून मिल्क पाउडर, 1/4 पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून घी लेंगे। आप विदाउट सॉल्ट बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने घी यूज़ किया है। उसके बाद आप पिंच ऑफ सोडा लेंगे और इन सभी को आप धीरे धीरे हाथों से वार्म वाटर से मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे हाथों से इसलिए मिक्स करना है क्योंकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें किसी तरह का गांठ ना रह जाए, क्योंकि अगर गांठ रह जाएगा तो हमारा जो कंडेंस्ड मिल्क है वो बहुत अच्छा तैयार नहीं होगा। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से घोल तैयार कर लिया है। अब इसको हम गैस और माइक्रोवेव दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले मैं आपको गैस पे बनाना बताती हूँ, फिर मैं उस माइक्रोवेव में भी बताऊंगी। अब इस कंडेंस्ड मिल्क को बनाने के लिए आप गैस पे नॉन स्टिक कोई भी कढ़ाई या फ्राई पैन ले लीजिए और उसमें इस घोल को जो आपने तैयार किया है उसको डाल के मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए बनाएंगे। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 मिनट का टाइम लगता है और बाजार की तरह का कंडेंस्ड मिल्क आपको तैयार मिलेगा। इसको लगातार हाथों से आपको चलाते रहना है, अदरवाइज ये तली में जम जाएगा और हमें जले हुए का स्मेल मिलेगा। ये देखिए, मैं इसे लगातार हिलाते हुए बना रही हूँ ताकि ये किसी भी तरीके से नीचे तेंदी में ना जले। अगर ये तैयार होने के पहले थोड़ी सी कम थिकनेस हम रखेंगे तो तैयार होके ही अच्छी थिक हो जाएगी। जिस तरीके की थिकनेस मिल्क मेड की होती है उस तरीके की थिक हो जाएगी। ये बनाते हुए मुझे, हिलाते हुए मुझे 1.3 मिनट हो चुके हैं। अब ये लगभग पक के तैयार कंडीशन में है, थोड़ी सी और हम इसे चलाएंगे। ये देखिए, अब ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो गया है। हम इसे गैस बंद करके बाउल में निकाल लेंगे, अदरवाइज ये बाउल में चिपक जाएगा। अब मैं आप सभी को माइक्रोवेव में कंडेंस्ड मिल्क बनाकर दिखाती हूँ। ये जो घोल मैंने बनाया था उस घोल को हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए
पकाएंगे। माइक्रोवेव में बन रहा है तब तक मैं आपको दिखा दूँ। अभी जो मैंने फ्राई पैन में बनाया था, कढ़ाई में बनाया था मिल्क में, वो देखिए ठंडा होकर बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस के साथ बन गया है। मिल्क मेड हमारा ठंडा हो गया है। मैंने स्टोरेज डब्बा में इसे रख लिया है। आप देखिए इसकी थिकनेस और इसका कलर बिल्कुल मार्केट वाले मिल्क मेड जैसा है, और आपको टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट वाले मिल्क मेड जैसा ही देगा।